हेलो बच्चों, आज आप करन जा रहे हैं चैप्टर तीसरा, वर्कशीट भी तीसरी, उहदा पार्ट दूसरा। पार्ट वन च एक तो लैके अठ तक क्वेश्चन ने, अज आप करांगे नौ तो स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नौ की अपना, के दे केड़े मुल लई दित्तियां समीकरणां दे अनगिनत हल हन। फॉर वट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशनस। आ दो इक्वेशनस ने, ए तो आप के दा मुल कढ़ांगे। तो देखो कोई बच्चों किवें करांगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वेशन्स लिखांगे आप दोनों, केड़िया ने के माइनस तीन एक्स प्लस तीन वाई इक्वल टू के। ये पहली इक्वेशन होगी, लिखांगे हम दूसरी के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इस बच्चों सब तो पहला आप a1 a2 b1 b2 कड़ा लिखांगे। देखो a1 इक्वल टू के माइनस 3 और a2 इक्वल टू के। b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू के, c1 इक्वल टू के, c2 इक्वल टू 12। तो हम इतने आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिखांगे। बच्चों a1 की वैल्यू की है k माइनस 3 बटे के इक्वल टू 3 बटे के, के नाल के कट गया। हूँ आ 3 उधर चला जूगा, की आ जूगा बच्चों 3 प्लस 3 किन्ना हो गया 6। के दा मुल किन्ना आ गया बच्चों इत्थे 6। हूँ अगली कोई देखांगे, कोई b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। इत्थे भी के दा मुल भर दांगे, 3 बटे के बराबर है के बटे 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दांगे बच्चों इत्थे, की आ जूगा के दी 2 बराबर है 36। अंड 2 उत्थे दूसरी पासे चला जाऊ अंडर रूट च, बच्चो किन्ना आ गया के इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो साडा उत्तर हो गया बच्चों, दोनों कंडीशनस नाल आपां ने के दा मुल कढ़ता, के दा मुल ही पता करना सी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। के दा मुल पता करो जेकर रेखी समीकरण प्रणाली दा एक विलक्षण हल होवे। फॉर वट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। के दा मुल ही पता करना है बच्चों दे ची। देखो किवें करांगे आपां, आपां नूं इक्वेशन्स की दित्तियां गईयां ने गीवन, पहला वो लिखांगे। गिवन इक्वेशनस आर जो अपन इक्वेशनस दित्तियां हुई ने आप लिख लांगे। सब तो पहले इत्थे बच्चों वेयर a1 a2 लिख लांगे, b1 दो, c1 माइनस 5। ए माइनस 5 इधर ले जाएंगे, माइनस दा हो जाऊगा ना बच्चों, तां मैंने माइनस 5 लिखता। a2 3 कोमा b2 के c2 इज इक्वल टू 15। हूँ अपन कंडीशन बोली गई सी फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन दी बच्चों की हुंदी है कंडीशन
ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू। ए वन किन्ना है, एक बटे तीन आजूगा और ये आ गया दो बटे के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे के नॉट इक्वल टू सिक्स। तो बच्चों सिक्स नू छोड़ के अदर दैन कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इतने आप लिखेंगे ऑल रियल वैल्यू ऑफ के अदर दैन सिक्स। तो यह सी अपना आंसर। हम देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जेकर पांच पेंसिलां अते सत्त पेनां दी कीमत 50 रुपए अते सत्त पेंसिलां अते पांच पेनां दी कीमत 46 रुपए होवे तां एक पेंसिल अते एक पेन दी कीमत पता करो। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन देखो हुण इहनूं सोल्व करांगे। इत्थे आपां पहलां मन लांगे लैट पेंसिल्स, लैट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, फिर कॉस्ट ऑफ पेन, फिर इक्वेशन्स बना के उन्हों सॉल्व करांगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन 11 किवें करांगे। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स ले लांगे, कॉस्ट ऑफ पेन वाई ले लांगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की है, देखो अपना दोबारा दिखा रही हाँ कि पांच पेंसिल सत्त पेन, पांच पेंसिल सत्त पेन दा कोस्ट 50 रुपए, फिर द्वारा की है सत्त पेंसिल प्लस पांच पेन 46 रुपीस। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन्स बन गया। हूँ दो इक्वेशन बना के इन्हों का जो एक्स वाली टर्म है इनू आपने सेम करना है। सेम करने के लिए की करांगे, उपर वाली टर्म नू सत्त नाल गुणा कर देंगे, नीचे वाली नू पांच नाल, तां कि सेम हो जाएंगे। तो उरे देखो मैंने लिखता मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 1, उपर 7 है, 7 नाल गुणा करांगे पहली इक्वेशन नू, उही मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, आ हुण देखो 7 नाल गुणा कर देंगे, ये आ गया 35x प्लस 49y 350, इनू नंबर 3 देता। हुण दूसरी इक्वेशन नू 5 नाल करनी है गुणा, आ गुणा करती आह इक्वेशन आ गई। अगे हुण बच्चों दोनों इक्वेशनस आपां सोल्व कर देंगे। आ देखो दोनों इक्वेशन्स लिखतियां मैंने, नीचे साइन चेंज कर देंगे, आ कैंसल होगी। 49 चो 25 माइनस करांगे 24 बच गया, इनू माइनस कर देंगे 120। वाई इत्थे ही रह गया बच्चों, आ नीचे चला गया 5 आ जूगा। ठीक है, वाई का मुल आ गया 5। फिर इनू आप कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 च भर देंगे, सोल्व करांगे। देखो एक्स का मुल आ गया 3, तो आपने एक्स ते वाई ही कढ़ना सी, पेन दा मुल ते पेंसिल दा मुल करना सी, ओ ये आ गया, ये हो गया अपना आंसर 11। ठीक है बच्चों, हुण करांगे आपां 12। बच्चों मैं विच विच रोक के वीडियो करके सॉल्व कर रही हूँ ताकि वीडियो अपनी ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तुहानूं इको वीडियो विच ये हुण कंप्लीट वर्कशीट मिल जाए। तो ठीक है, देखो हुण स्पीड नाल करा रही हूँ अगे क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण प्रणाली नूं हल करो, सॉल्व करना है इसनों। आ लिखांगे हुण आपां 3x माइनस वाई बराबर है 3 कोमा 7x प्लस 2y बराबर है 20। वाई दा मुल आ गया अपना, इनूं समीकरण 2 विच भर दांगे। सत्त एक्स प्लस छे एक्स माइनस छे बराबर है भी, सत्त ते छे 13 एक्स, आ माइनस का छे उधर चला जूगा प्लस का हो जू, भी प्लस छे 13 एक्स बराबर है 26, एक्स बराबर है 26 बटे 13 2 आ गया। एक्स का मुल कितना आ गया बच्चों इतने 2। एक्स के मुल नूं आपां जे उपर भर दिए जिहड़ी आपां ने वैल्यू कढ़ी सी तां उत्थों वाई का मुल भी आजूगा। ठीक है, 3x माइनस 3 बराबर है वाई, इस चुण आपां एक्स का मुल भर दिए जे 3 गुणा 2 माइनस 3 बराबर वाई, 6 माइनस 3 बराबर है वाई, तो वाई का मुल कितना आ गया बच्चों इत्थे 3। समीकरण हल करनी सी अपनी हो गई। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण प्रणाली नूं आलेख विधि राही हल करो, ग्राफ पेपर
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14। ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚੋ। ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15। ਇੱਕ ਆਦਮੀ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਾਰ ਵਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਫਸਟ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਟੇ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਬਟੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਸਮ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਇਨ ਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 120 ਬਟੇ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਵਰਸ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ 2 ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਘਟਾ ਤਾ, ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ। 125 ਬਟੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 60 ਵਾਈ ਬਟੇ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ 130 ਘੰਟੇ, 130 ਬਟੇ ਐਕਸ ਆਜੂਗਾ। ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀ 240 ਬਟੇ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 18 ਘੰਟੇ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 4 hours 18 minutes ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4 hours 18 minutes। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 43/10। ਹੁਣ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਇਹ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1/x ਨੂੰ ਯੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, 1/y ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1/x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 125U ਪਲੱਸ 60V ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। 130U ਪਲੱਸ 240V 43/10। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/4। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਆਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 20 ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜੂਗਾ 20, ਉੱਪਰ ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/x 100, ਆ ਯੂ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ। ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਯੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 1/100, ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ 100, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 16।
दो अंकां वाली एक संख्या दे अंकां दा जोड़ 9 है। जेकर संख्या विच्चों 24 घटा दित्ता जावे तां उसदे अंकां दा उल्टा के संख्या बन जाती है। संख्या पता करो। तो बच्चों देखो की है साड़ी इक्वेशन, इंग्लिश देखो की है क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर दैन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो बच्चों ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। देखो पहला सीधा देखो तुम हूँ की है। लेटस अज्यूम एक्स एंड वाई आर टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर। लेट टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई एंड रिवर्स नंबर 10y प्लस एक्स एन उल्टा देंगे। हूँ गिवन अपन की दिता हुआ कि दो नंबर का जोड़ 9 के बराबर है। दो नंबर का जोड़ कंडीशन है जी अपनी पहली एक्स प्लस वाई बराबर है 9, ठीक है। उस तो बाद अपनी दूसरी कंडीशन सी उस तो बाद जी कंडीशन सी दूसरी देखो की है, वो ध्यान नाल सुनो कि जेकर संख्या विच्चों 27 घटा दिते जाण तां उल्टा के संख्या बन जाती है। संख्या विच्चों यानी जी अपनी आह संख्या है 10x प्लस वाई विच्चों 27 घटा दिते जाण तां उहदा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यह 10x प्लस वाई माइनस 27 करता और फिर उल्टा तो 10y प्लस एक्स हो गया। इनू सोल्व कर देंगे बच्चों आप सारे इनू इधर ले आवेंगे, 27 इधर आजू प्लस का हो गया, 10x आई एक्स उधर जाऊ माइनस का हो गया 9x, एवें 9y बराबर है 27। 9 कॉमन कढ लिया नीचे चला गया, कटा देंगे बच्चों 3 आ गया। ये होगी अपने को इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 आ गई। दोनों प्लस कर देंगे एडिंग 1 प्लस 2, एक्स एक्स प्लस हो जाएंगे, वाई नाल वाई कैंसल हो जूगा। तो अपने को आ गया 2x बराबर है 12, एक्स करके आजू 6, एक्स का मुल आ गया उन्होंने आप पुट इन इक्वेशन 1 आइस पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स का मुल पुट करता अब वाई आ गया बच्चों अपने को, ठीक है। हम टू डिजिट नंबर इक्वेशन बना देंगे अपनी 10x प्लस वाई, 10 गुना एक्स का मुल 6 प्लस 3 60 प्लस 3 63, तो यह आ गया बच्चों अपना उत्तर। समझ आ गया, देखो एक बार दोबारा। तो बच्चों ये सी अपनी वर्कशीट 3 कंप्लीट होगी चैप्टर 3 दी। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तुहानू अगर तुसी मैनू कमेंट्स लिख सकते हो तो लिख दो, मैं उहदा रिप्लाई तुहानू अपनी नैक्सट वीडियो भी जरूर देवांगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।